ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले जितने भी हमने इसकी प्रॉपर्टीज थी वो की थी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन किया था और प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन किया था। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन को करने से राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग 5/8 - 5/9 - 19/-20। उसने पूछा क्या उसके अंदर, उसने पूछा इसके अंदर एडिटिव इनवर्स पूछा उसने। तो पहले हम एडिटिव इनवर्स देखते हैं क्या होता है। हमने जो प्रॉपर्टीज की थी तो एडिटिव इनवर्स में पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक पी बाई क्यू रैशनल नंबर है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा मैं ए आई शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस पी बाई क्यू, राइट। ये उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो यहां पर अगर हम पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए में अगर 5/8 का मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस ऑफ 5/8। पी बाई क्यू का माइनस पी बाई क्यू, 5/8 का माइनस 5/8। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में मुझे माइनस 5/9 का बताना है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, जैसे माइनस पी बाई क्यू था तो माइनस ऑफ माइनस 5/9, माइनस माइनस प्लस और 5/9, ये उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। सी पार्ट में चलते हैं, 19/-20। देखो अगर माइनस न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, रहेगा वो माइनस ही, मतलब इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 19/20। अब ये बन जाता पार्ट बी, पार्ट बी भी यही था कि माइनस 5/9 था, तो इसमें भी क्या है माइनस 19/20, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स विल बी माइनस ऑफ माइनस 19/20 एंड इट विल बी प्लस 19/20। तो आंसर ऑफ पार्ट ए इज माइनस 5/8, आंसर ऑफ पार्ट बी इज प्लस 5/9 एंड आंसर ऑफ पार्ट सी इज प्लस 19/20। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 2।